नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। उन्नाव में एक बाइक पर बैठकर 7 लोग बना रहे थे रील, अब पुलिस ने काटा 16,000 का चालान। यातायात नियमों का पालन करना तो दूर, युवा स्टंटबाजी कर हादसों को दावत दे रहे हैं। शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रचलित हुआ जिसमें बैट बॉल हाथ में लिए एक बाइक पर बैठे 7 लोग तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रील बनाते दिखे। वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच कर बाइक नंबर के आधार पर 16,000 रुपए का चालान किया। चर्चा है कि स्टंटबाजी कर रहे लोगों में एक ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गई। वीडियो कई दिन का पुराना बताया जा रहा है। वीडियो प्रचलित होते ही सीओ सिटी आशुतोष कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर 16,000 का चालान किया। एआरटीओ कार्यालय की मदद से बाइक मालिक व स्टंटबाजी करने वाले युवकों का पता लगाया जा रहा है। सीओ ट्रैफिक आशुतोष कुमार ने वीडियो की पुष्टि कर बयान जारी कर अन्य लोगों से इस तरह का स्टंट न करने की अपील की है। यातायात प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्नाव पुलिस को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक ही बाइक पर बैठकर 7 लोग स्टंट कर रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी हुई तत्काल हम लोग इस एक्टिव हुए और आरटीओ के माध्यम से इस बाइक की जानकारी इकट्ठा की गई। बाइक नंबर UP 35BE 9825 है। इस पर MV एक्ट के तहत चालान किया गया है जो लगभग 16,000 का चालान हुआ है और संबंधित थाना अध्यक्ष को बताया गया है कि इसके जो मालिक हैं उनको बुलाकर उनका पक्ष जान करके इसके खिलाफ अन्य विधि कार्रवाई करें। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।